दोस्तों, मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि स्पाइस मनी का जो थर्मल प्रिंटर है उसका मैं आपको एक अनबॉक्सिंग वीडियो और उसका इंस्टॉलेशन वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों, फाइनली आप अब देख सकते हैं मेरे पास ये स्पाइस मनी का जो थर्मल प्रिंटर है वो मेरे पास आ गया है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसका इंस्टॉलेशन, अनबॉक्सिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो भाई दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये मैं फाइनली इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये डब्बा है। इसको, इस डब्बे को यहां से आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे आपको इसको यहां से, ये साइड से यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा थर्मल प्रिंटर, जो कि काफ़ी अच्छे से पैक्ड हुआ है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये फाइनली ये, और ये कंपनी से टेस्टेड भी है। उसके बाद से दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इसका एडाप्टर है, काफ़ी मोबाइल की तरह ही है। इसका पिन भी मोबाइल के पिन के जैसा ही है। आप इससे इसको चार्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बैटरी लगा हुआ है और ये चार्ज भी होता है। अभी दोस्तों इसको हम कर देते हैं साइड में किनारे। अभी दोस्तों आपको फाइनली करना क्या है कि यहाँ से आपको ऑन करना है। तो यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ऑन ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है। दोस्तों, ऑन करने के बाद से आपको इसमें कुछ सेकेंड तक वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की एक बत्ती जल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अब करना क्या है कि ये हमारा जो डिवाइस है ये ऑन हो गया है। अभी दोस्तों आपको फाइनली क्या करना है कि आपको अपने स्पाइस मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना स्पाइस मनी एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद से दोस्तों आपको, जैसा कि देख सकते हैं, मेरे में ऑलरेडी पहले से लॉगिंग था, इसलिए यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया। आपको अपने पासवर्ड से, आईडी से लॉगिंग कर लेना है। अभी दोस्तों यहां पे मैं आपको एक विड्रॉ करके दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अमाउंट डाल के, और दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में चेक करके और स्कैन टू विड्रॉ पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरे बायोमेट्रिक डिवाइस में बत्ती जल गई है। अब यहाँ पे मैं अपना फिंगर लगा देता हूँ। अभी दोस्तों आपको कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने तक। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अभी दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अलाउ पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आपका प्रिंटर यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है। तो दोस्तों फाइनली ये देख सकते हैं, ये मेरा स्कैनिंग हो गया है। दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ प्रिंटर है, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिया है 1093। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला डिवाइस है, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड मांगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड में आपको या तो 4 जीरो आपको टाइप कर देना है, और दोस्तों अगर 4 जीरो ये पासवर्ड में नहीं लेता है तो आपको 1 2 3 4 टाइप कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 4 जीरो टाइप कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे 4 जीरो टाइप करने के बाद से आपको पेयर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, पेयर पे क्लिक करने के बाद से आपको क्या करना है, फिर से एक बार प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करते ही फाइनली आपका ये जो ब्लूटूथ प्रिंटर है ये हमेशा के लिए कनेक्ट हो गया है। और दोस्तों अभी आपको ये दोबारा पेयर कराना नहीं पड़ेगा। अगर बाय द वे पेयर करना पड़े तो आप जैसे मैंने प्रोसेस में बताया आपको, वैसे प्रोसेस में आपको पेयर करा देना है। और दोस्तों ऐसे आप जब भी अपना ट्रांजेक्शन करते रहेंगे, आप अपना सिर्फ और सिर्फ प्रिंट पे बटन दबाइए। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली जो है ये रिसिप्ट निकल गया है। दोस्तों, इसमें सारा डिटेल्स आपको दिया रहता है कि मतलब एजेंट आईडी क्या है, बैंक का नाम क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कितना अमाउंट निकला है, कितना इसमें आपका बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिखाता है। तो दोस्तों इससे क्या है कि आप अपने ग्राहकों को अगर इसको दे देते हैं तो ग्राहक काफ़ी इससे सेटिस्फाइड हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप भी अपने इस डिवाइस से, अपने इस प्रिंटर से आप चाहें तो आप प्रिंट करके अपने ग्राहकों को ये रिसिप्ट दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्रिंटर कैसे खरीदना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर का आपको डिटेल्स जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दिया है, आप उनसे बात करके इस डिवाइस को मंगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप उस नंबर पे कॉल करके इस डिवाइस को मंगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।